नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। पशुपति पारस की पार्टी के कद्दावर नेता सूरजभान सिंह को लेकर बड़ी खबर जो है वो हमारे सूत्रों के हवाले से आ रही है। पशुपति पारस की पार्टी में फिलहाल जो है वो सूरजभान सिंह हैं, लेकिन जिस तरीके से हाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पशुपति पारस ने चिराग पासवान को लेकर बयान दिया, उससे कहीं ना कहीं अब सूरजभान सिंह जो हैं वो खासे नाराज चल रहे हैं और उन्होंने फैसला जो है वो अब बड़ा ले लिया है। रामविलास पासवान के भी काफ़ी करीबी माने जाते थे सूरजभान सिंह। राजनीति की शुरुआत भी सूरजभान सिंह ने रामविलास पासवान की पार्टी के साथ ही शुरुआत की। मोकामा और उसके आसपास के क्षेत्र में अच्छी खासी पकड़ जो है वो सूरजभान सिंह की मानी जाती है। बाहुबली छवि के हैं सूरजभान सिंह, लेकिन जब चाचा भतीजे में टकरार हुई उस वक्त सूरजभान सिंह जो है वो पशुपति पारस के खेमे में चले आए थे। और जब आपको याद होगा मोकामा में उपचुनाव हुए, जिस दिन वक्त वोट डाले जा रहे थे उस वक्त हमारे संवाददाता ने उनसे सवाल किया चिराग पासवान को लेकर। उस वक्त भी सूरजभान सिंह ने ये कहा था कि चिराग पासवान जो हैं वो दलितों के बड़े नेता हैं। जैसे देख लीजिए, वे दलित का लीडर है देश का, उनके आने से पूरे देश में बदलाव आता है। उस वक्त और इस वक्त भी वो पशुपति पारस के साथ थे, लेकिन चिराग पासवान को लेकर उनका सेंटिमेंट जो है वो शुरू से ही रहा है। लेकिन जिस तरीके से पशुपति पारस ने हाल में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा कि चिराग पासवान के साथ उनका कोई खून का रिश्ता नहीं है, इसके बाद सूरजभान सिंह जो हैं वो नाराज़ हो गए। और अब हमारे सूत्र बता रहे हैं कि सूरजभान सिंह जल्द ही बड़ा फैसला जो है वो लेने वाले हैं, पशुपति पारस की पार्टी का दामन जो है वो छोड़ देंगे और नई पार्टी जो है वो ज्वाइन करने वाले हैं सूरजभान सिंह। मोकामा और आसपास के इलाके खासकर मुंगेर तक उनकी पकड़ जो है वो अब मानी जाती है। और जो हमारे पास जानकारी जो आ रही है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जल्द ही सूरजभान सिंह जो हैं वो बीजेपी का दामन जो है वो थाम सकते हैं। देखिए, सूरजभान सिंह जो हैं अब लगभग ये मन बना चुके हैं कि वो पशुपति पारस की पार्टी को छोड़ेंगे और बीजेपी में संभवतः सूरजभान सिंह जो हैं वो जा सकते हैं। आपको याद होगा कि अमित शाह हाल के दिनों में जब नवादा गए थे तो नवादा में उन्होंने ऐलान किया था, कहा था कि बीजेपी जो है वो नवादा से लड़ेगी। अब मौजूदा वक्त में सूरजभान सिंह के करीबी या कहें कि सूरजभान सिंह के रिलेटिव हैं चंदन सिंह, वो वहाँ से सांसद हैं और कहा अब ये जा रहा है कि मुंगेर सीट पर बीजेपी जो है वो पूरा दमखम जो है वो लड़ाएगी और सूरजभान सिंह की पत्नी जो है हो सकता है कि साल 2024 में मुंगेर सीट से ललन सिंह को टक्कर देती नज़र आए। बहरहाल हो जो भी, हमारे सोर्सेस बता रहे हैं कि सूरजभान सिंह जो हैं वो जल्द ही बीजेपी ज्वाइन करेंगे। लंबे वक्त तक राजनीति की शुरुआत ही उन्होंने रामविलास पासवान की पार्टी के साथ की और करीबी नेताओं में से एक रहे। हर वक्त रामविलास पासवान के साथ वो रहते थे। जब चाचा भतीजे में टकरार हुई तो वो चाचा के साथ चले गए, लेकिन अब खबर ये कि सूरजभान सिंह जो हैं वो जल्द ही बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन।